Hey guys, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की वर्स्ट मूवीज के बारे में। अब ऑलरेडी आपने बहुत सारी लिस्ट देखी होंगी जहां पर मार्वल की बेस्ट मूवीज के बारे में बताया जाता है, अब ये इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर एंड गेम, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। बट एक ऐसी वीडियो भी देख लो जहां पर मैं आपको बताऊंगा मार्वल की वर्स्ट मूवीज। और अगर आप मेरी रैंकिंग से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके हिसाब से रैंकिंग क्या होनी चाहिए। सच में जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से मार्वल की वर्स्ट मूवीज कौन सी है। तो फिर आपसे वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वैसे रैंकिंग की जो शुरुआत होने वाली है ना, वो होने वाली है लीस्ट एक्सपेक्टेशन से, मतलब जिससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी और उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया और ये रैंकिंग बढ़ती चली जाएगी। और एंड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मूवी के बारे में जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी लेकिन उसने अंडर परफॉर्म किया। तो जल्दी से लिस्ट को शुरू करते हैं और आप बिगिन करते हैं। सबसे पहले द न्यू म्यूटेंट्स। अब द न्यू म्यूटेंट्स जब आने वाली थी ना, आई थिंक 2019 या 2018 में आने वाली थी, मेरे को बहुत उम्मीद थी। एनी टेलर जॉय और बहुत नए नए कैरेक्टर मुझे इसके अंदर देखने को मिले और मुझे लग रहा था कि यार ये मूवी जब आएगी ना तो मजा आ जाएगा। द न्यू म्यूटेंट्स होने वाले, नए नए म्यूटेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और कहानी कुछ मस्त होने वाली है। Inclusion. A killer. With limitless potential. 2-3 साल डिले होने के बाद ये मूवी जब हमें देखने को मिल रहा ना, इतनी खस्सी मूवी मैंने एक्समैन की आज तक शायद कभी नहीं देखी होगी। सर, ये तो टट्टी है। और जितनी उम्मीदें मैंने द न्यू म्यूटेंट से की थी ना, वो सारी की सारी पानी में चली गई। मतलब जब आप इस मूवी को देखोगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मूवी क्या है। क्या ये एक सुपर हीरो मूवी है, क्या ये एक थ्रिलर मूवी है, क्या ये एक हॉरर मूवी है, ये है क्या। इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स के पोटेंशियल को वेस्ट करना कोई इस मूवी से सीखे। और मैं ये तक बोल सकता हूँ कि अभी तक की जो फर्स्ट एक्समैन मूवी है ना, वो द न्यू म्यूटेंट्स ही है। मतलब शायद इसके अलावा कोई और मूवी याद नहीं आएगी मेरे को, अगर मैं याद करने की कोशिश करूंगा तो हाँ, द वर्स्ट मूवी एवर इन मार्वल यूनिवर्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, मार्वल की मूवीज की अगर बात करें तो वो है द न्यू म्यूटेंट्स। उसके बाद एक ऐसी मूवी जिससे उम्मीद बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये एक लास्ट अपीयरेंस था बहुत सारे कैरेक्टर्स का। मैं बात कर रहा हूँ एक्समैन डार्क फीनिक्स की। जब मैंने एक्समैन अपोकलिप्स देखी थी ना, मुझे लग रहा था कि जब भी हमें डार्क फीनिक्स नेक्स्ट पार्ट देखने मिलेगा जहां पे जीन ग्रे होने वाली है, बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर होने वाले हैं, कुछ कैरेक्टर रिटर्न करेंगे और ये उनकी आखिरी मूवी होने वाली है ना, मैं बहुत ज्यादा हाइप पे हो चुका था। लेकिन अगेन, जैसा म्यूटेंट्स के अंदर हुआ था ना, न्यू म्यूटेंट्स के अंदर सेम वही ट्रीटमेंट मुझे डार्क फीनिक्स के अंदर देखने मिली और मूवी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, तुम उसको ढंग से शोकास्ट नहीं कर सकते। जो बढ़िया बढ़िया एक्समैन है जो सालों से चले आ रहे हैं, उनको 2-2 मिनट का स्क्रीन टाइम मिल रहा है और तुरंत उनको आप मार रहे हो। ट्रेलर इतने मस्त दिखा रहे हो लेकिन मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हाँ, ये एक ऐसी मूवी है जिससे अगेन उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी, बट जो उम्मीदें थी उनको भी तोड़ दिया गया। फिर आती है 2015 की फैंटास्टिक फोर। जब 2005 वाली फैंटास्टिक फोर हमने देखी थी ना, जिसमें येवन ग्रिफिथ थे और जेसिका एल्बा थी, मुझे लग रहा था कि यार जब मार्वल इसको रिबूट करेगा या फिर फॉक्स इसको रिबूट करेगा ना, तो अगेन जो उसके अंदर कमियां थी ना उनको हटा के रिबूट करेगा। पर 2015 वाली फैंटास्टिक फोर अगर आप देख लोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे से पैसे लेके जाना अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया हो तो। इतनी बेकार मूवी है, इतनी बेकार मूवी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि एक्टर्स के अंदर पोटेंशियल नहीं है। माइल्स टेलर जो कि फेनोमिनल एक्टर है, जिनकी अगर आप और मूवीज देख लोगे ना आप उनके फैन हो जाओगे, उनको इतना ज्यादा वेस्ट किया गया इस मूवी के अंदर कि माइल्स टेलर ने बोला कि मेरी पूरी हिस्ट्री की ना सबसे बेकार मूवी है ये फैंटास्टिक फोर 2015। लोगों ने पता है बोला कि ये मूवी को ना बिल्कुल बैन ही कर देना चाहिए और अगर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है ना तो उसको बिल्कुल वहां से हटा देना चाहिए। पिटीशन तक चल गए थे, इतनी बेकार मूवी थी। और सच बता रहा हूं, एज अ मार्वल फैन, एज अ फैंटास्टिक फोर फैन, ये मूवी बिल्कुल बेकार थी। मार्वल के पास ऑलरेडी अब फैंटास्टिक फोर के राइट आ चुके हैं, तो 2015 वाली गलतियों से सीखकर अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें नए फैंटास्टिक फोर देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ये है नंबर थर्ड पे जो कि वर्स्ट मूवी है मार्वल की। उसके बाद कैप्टन मार्वल। जी हाँ, कैप्टन मार्वल एक ऐसी मूवी थी जब मैं उसको देखने गया, 2019 था और अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर एंड गेम की जो हाइप थी ना, उसी ने मुझे थिएटर के अंदर भेजा कि कैप्टन मार्वल देख कर आओ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने उसको क्रेडिट सीन के अंदर देखा था। और मुझे पता है कि हाफ ऑफ द ऑडियंस यही सोच रही होगी जब उन्होंने क्रेडिट सीन के अंदर कैप्टन मार्वल को देखा कि भाई अब तो कैप्टन मार्वल की मूवी को देखना पड़ेगा। बट लिटरली इस मूवी के अंदर कुछ भी नहीं था। ब्री लार्सन एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इस मूवी के अंदर उनकी एक्टिंग वॉज पथेटिक। बात करें अगर विलन की ना, जो यॉन रॉग बहुत ही बेकार विलन था। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ना अभी तक की वर्स्ट एंट्री अगर मैं बात करूं, सोलो मूवी की अगर बात करूं, तो वो है कैप्टन मार्वल। मतलब सोलो मूवी से उम्मीद होती है कि भाई मूवी है ना बहुत मस्त होने वाली है, सोलो कैरेक्टर है, इतनी बड़ी मूवी का पार्ट होने वाला है, इतना पावरफुल कैरेक्टर, पता नहीं क्या क्या हमें देखने मिलेगा। लेकिन अगेन, आपको पता है कि कैप्टन मार्वल के साथ क्या हुआ और या इट्स अ वेरी बैड मूवी। उसके बाद एक ऐसी मूवी जो कि अभी रिसेंटली हमने देखी है जिसका नाम है मोरबियस। जी हाँ,
मॉर्बिस जब आप देखने गए होंगे आपने क्या सोचा होगा, भाई जेरेड लेटो एस मॉर्बिस में देखने मिलेंगे। 2019 की मूवी 2021 में देखने को मिल रही है, दो साल बाद पता नहीं सोनी वालों ने क्या क्या प्लान कर रखा है। लिटरली मूवी के अंदर एक भी बात सेंस नहीं बनाती है। फर्स्ट मूवमेंट में वो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं, किसी की जान नहीं लूंगा। क्रेडिट सीन आते आते जब वल्चर उसके पास आता है बोलता है चलो स्पाइडरमैन को मारने चले, कहता है चलो। Has to do with Spider-Man, I think. But I think a bunch of guys like us should team up. Could do some good. Intriguing. But मुझे बिल्कुल भी ये मूवी अच्छी नहीं लगी। और जब एज अ फैन मैं वहां पे बैठ के इस मूवी को देख रहा था ना, बिकॉज एज अ मार्वल यूट्यूबर मेरी कंपल्शन है ऐसी मूवीज को देखना। मेरी वाइफ को बहुत पसंद है ये मूवी, टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि उसको क्या दिखाया था मूवी के अंदर जो कि उसको पसंद है, लेकिन आई हेटेड दैट मूवी। मतलब मॉर्बियस का एक एक मिनट मेरे को ऐसे तड़पा रहा था कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन मैंने 350 रुपए दे दिए तो मुझे वसूलने पड़े। और हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मॉर्बियस मार्वल यूनिवर्स की ना बहुत ही बेकार मूवी में से एक है। एंड यस, इसका ऑब्वियसली आपको एक स्पॉट तो देखने को मिलेगा मार्वल की मूवीज के स्पॉट के अंदर। उसके बाद ब्लैक विडो की जितनी हाइप बनाई गई थी ना, उतनी ज्यादा ये बेकार मूवी थी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि स्कारलेट जोहानसन इज अमेजिंग, मतलब स्कारलेट जोहानसन का कोई भी मुकाबला नहीं है। और मेरे हिसाब से ब्लैक विडो को उनसे अच्छा कोई प्ले नहीं कर सकता। लेकिन ब्लैक विडो के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया गया, स्पेशली टास्क मास्टर को वेस्ट किया गया, जिससे मुझे इतनी ज्यादा हेट हुई, इतना ज्यादा गुस्सा मुझे आया। एक तो ऑलरेडी ये मूवी डिले थी, कब हमें देखने को मिलने वाली थी, कोरोना की वजह से इतनी देर बाद देखने को मिली। उसके अंदर भी इतना सब कुछ दिखाने की बजाय तुमने इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स पे फोकस किया जो कि मूवी के अंदर उसको सेंस ही नहीं बनाते हैं। मतलब क्या यार, क्या देखने को मिला मुझे। ब्लैक विडो वाज अ पैथेटिक मूवी। और मेरे को लगता है कि हाँ, अगर मार्वल की मूवीज के बारे में बात करूँ ना, तो कैप्टन मार्वल के बाद तो फिर ब्लैक विडो ही आती है, जो कि सोलो मूवी बहुत ज्यादा बेकार थी। और लास्ट की मूवी जिससे उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मैं कहूंगा कि वन ऑफ द वर्स्ट मूवी है एवर, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। काफी लोग इससे एग्री करेंगे, काफी लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, बट शायद मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस मूवी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी। एक तो रीशूट, कहानी बेकार, स्कारलेट विच का ओवर पावर दिखाना। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस मूवी के अंदर क्या क्या फोड़ते। फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूमिनाटी आई और चली गई, स्कारलेट विच ओवर पावर्ड। ब्लैक बोल्ट कुड डिस्ट्रॉय यू विद वन विस्पर फ्रॉम हिज माउथ। व्हाट माउथ? रीशूट्स, जहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक सीन के अंदर वॉन्ग के बाल अलग हैं, दूसरे में अलग है। सैम रेमी के इतने सारे रेफरेंस अमेरिका चावेज, डॉक्टर स्ट्रेंज बेचारा बैकफुट में पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। पूरी मूवी के अंदर मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी कहीं पे भी नहीं दिखी। और मल्टीवर्स के नाम पे ना इन्होंने 30 सेकंड का सेगमेंट दिखाया जिसमें हमें एक के बाद एक यूनिवर्स दिखाए और पता भी नहीं चला कि मल्टीवर्स क्या है। मतलब मैं ये सोच रहा था मूवी को देखते देखते कि यार चलो एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ तो हमें देखने मिला लगभग 6 साल बाद। लेकिन 6 साल बाद भी जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की ये मूवी आई है, क्यों बनाई? इतना गुस्सा आया मुझे इसको देख के कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये है गाइस मेरी लिस्ट जो कि मार्वल की वर्स्ट मूवीज की है। अब ऑब्वियसली इसमें तो कुछ मूवी ऐसी होंगी जिनसे आप एग्री नहीं करेंगे और कुछ मूवी ऐसी होंगी जिनको आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे थॉर द डार्क वर्ल्ड, वो भी इस लिस्ट में थी। बट जब इन सब मूवीज को देखता हूं ना मैं, तो थॉर द डार्क वर्ल्ड मुझे कई गुना ज्यादा अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।